नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है ही अपने ही YouTube चैनल पे स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यतीत नहीं करेंगे और जानेंगे बहुत सारी बातें जिससे हमारा हमेशा प्रॉफिट बनता है। दोस्तों, अगर आप कल मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में थे तो शायद आपको जो स्ट्रैटर्जी मैंने बताई थी उस स्ट्रैटर्जी के हिसाब से आज ढेर सारा आपका प्रॉफिट बन गया होगा। दोस्तों, कैसे, मैंने उसमें बहुत सारी बातें बताई थी ओपनिंग स्ट्रैटर्जी में, जो कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटर्जी थे जिसमें बहुत सारा आप प्रॉफिट बना सकते थे। सिंपल एक आपको फंडा यूज़ करना था जो मैंने स्ट्रैटर्जी में बताया था, जिसके कारण पर ढेर सारा प्रॉफिट बनेगा। दोस्तों, किया होगा तो ढेर सारा प्रॉफिट बना भी होगा और मैंने भी बनाया है दोस्तों, और कई नीचे वाले लेवल्स को भी लेके अभी प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी कोई काम करता हो तो डेफिनेटली वो काम और जो प्रयोग करना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, पहले खुद पे करता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ क्या इसमें आपको किस तरह से प्रॉफिट होगा। तो ये नहीं है दोस्तों आपको बताया तो मतलब मैं नहीं करूँगा, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, तो मुझे अभी प्रॉफिट दिख रहा है और बहुत ही अच्छा इसमें फील आ रहा है कि ये चीज़ें काम करती है, तो डेफिनेटली आपको भी काम में ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, आज का मार्केट भी उस तरह से, जैसे मैंने कहा, ओ आर बी एस में जिस तरह से मार्केट ट्रेड करेगा उसी तरह से आपको प्रॉफिट बनेगा। जैसे ऊपरी लेवल पे ओपनिंग रेंज ऊपरी लेवल पे ब्रेक होती है तो आगे बढ़ता जाएगा, और निचले लेवल पे जो ओपनिंग रेंज टूट जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। दोस्तों, वैसे ही वो मार्केट निचले लेवल तोड़ते गया और मार्केट और नीचे चला गया। तो ये विषय को हम साइड में रखते हैं और बात करने वाले सीएंट के बारे में। दोस्तों, सीएंट जितना बढ़िया शेयर है उतना ही उसमें और कुछ बातें निकल के आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सीएंट को इस में यही तारीख से पिछले महीने में वीडियो डाला था, वहाँ पे बहुत सारी बातें बताई थी। दोस्तों, मैंने कहा था कि सीएंट में आपको ढेर सारा प्रॉफिट बन सकता है, कैसे बन सकता है वो भी बातें बताई थी, क्यों बनेगा ये भी बताई थी। दो वीडियो मैंने सीएंट पे डाले, पहला वाला 180 पे डाला, दूसरा वाला 266 पे डाला था। दोस्तों, अभी डाल रहा हूँ जो कि 350 का टारगेट अचीव हो चुका है मेरा। मैंने 350 का टारगेट दिया था दोस्तों, अचीव हो गया है। और अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा नीचे आए, तो सवाल पूछा गया था कि सर इसमें अभी और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको ढेर सारी बातें बताऊंगा जिसके कारण आपको प्रॉफिट बनेगा। देखिए, अभी EPS देखा जाए तो इस कंपनी का EPS अभी भी 24 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इसका PE की बात करें दोस्तों, लगभग अभी भी 15 रुपये पे ट्रेड करती हुई दिख रही है PE। तो दोस्तों, कंपनी का जो एक्सपेंस है 15 रुपये और कमाई है दोस्तों 24 रुपये, तो बहुत मतलब एक अच्छे रेंज में कामकाज करता हुआ। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, ये IT सेक्टर का शेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों, जिसके कारण इसको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी सबसे बड़ा एक फटका कौन से सेक्टर्स को पड़े ये आपको मालूम है अच्छे से, मगर कौन से सेक्टर को फटके नहीं पड़े COVID-19 में, जिसके बदौलत ये कंपनियां दौड़ रही है। देखिए, जो IT सेक्टर रहा और फार्मा सेक्टर रहा दोस्तों, उस पर कोई असर नहीं हुआ है COVID-19 का, मगर कुछ कंपनियां थी जिसके कारण फार्मा सेक्टर में वो भी थोड़ी डाउन चली गई थी। मगर दोस्तों, IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लोगों का कहा और लोगों ने अपना सेटअप घर पे बनाया और लोग घर पे ही काम करना शुरू कर दिए, जो कि कंपनी का कुछ भी लॉस नहीं हुआ, जिसके कारण कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक क्रिएटिव आई नाम की कंपनी भी बताई थी 5-6 दिन पहले, आज भी वो अपर सर्किट में कामकाज करती हुई दिख रही है। दोस्तों, मैं हमेशा ही आपके लिए अच्छी चीज़ें लाता हूँ जिसके कारण आपका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, अभी हम सेंट की बात कर रहे हैं, तो EPS देखा, PE देखा दोस्तों, अभी हम उसके देखेंगे आज के दिन के कामकाज का, जो पूरा कामकाज रहा दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, लगभग 4,12,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई और उसमें से दोस्तों 1,73,000 क्वांटिटी कहा गई डिलीवर्स में गई, जो कि बहुत ही अच्छा रेशो रहा। एज अ परसेंटेज देखा जाए तो 42.02% यहाँ पे क्वांटिटी डिलीवर्स में कन्वर्ट हो गई है, जो कि एक बढ़िया रेशो है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। मगर दोस्तों, रुकिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अभी ये शेयर ये 400 के ऊपर जाके अभी निचले लेवल पे आए हैं। मगर दोस्तों, इसकी हम 52 वीक्स हाई की बात करें तो 52 वीक्स हाई कितना है दोस्तों, इसका 458 रुपया है। ये लगभग अपने यहाँ से कितना दूर है, 70 से 60 रुपया दूर है अपने लक्ष्य से। तो क्या होगा इसमें, देखिए दोस्तों, अभी भी 70 से 80 रुपया ये दूर है अपने लक्ष्य से, ये कभी भी अचानक में अचीव हो सकता है व्हेन इट्स अ ब्रेकअप 400 लेवल। ये अगर 400 लेवल की ब्रेक देता है तो दोस्तों, ये आपको 458 से आगे दौड़ते हुए दिख सकता है। दोस्तों, ध्यान में रखिए, मगर जिस तरह से माहौल मार्केट में बना हुआ है, मैं हमेशा माहौल और जो न्यूज़ है या फिर मार्केट के लेवल से उसको समझ के काम करता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये अगर मार्केट में एक्सप्राइज चाहिए तो आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने की है और इसलिए आपको बता रहा हूँ अभी मार्केट में सिचुएशन क्या चल रहा है। देखिए, COVID-19 को थोड़ा साइड में रखते हुए, इंडिया चाइना जो सीमावाद हो रहा है उसके कारण ये मार्केट पे आज बहुत सारा एक इम्पैक्ट गिरा है, जिसके कारण ये आज पूरा मार्केट कोलैप्स हुआ है। तो दोस्तों, मैंने कई बार आपको कहा है टेक्निकल चार्ट पे बड़े बड़े क्रैशेस आने वाले हैं, ये तो अभी शुरुआत है,
ये तो शायद आपने कई जो मेरे साथ जुड़े हैं कई दिनों से उनको पता ही है कि क्रैश आने वाला, तो खुद पे जाके बैठिए, शॉर्टिंग पे जाके बैठिए, आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। दोस्तों खुद मैं कल शॉर्टिंग पे था और आज मैंने 5.90 रुपये का लिया हुआ मेरा पुट था दोस्तों, आज लगभग 25 रुपये का बन गया था, मगर 25 पे नहीं बेच पाया दोस्तों, मैं उसको बेच दिया 18 रुपये पे, तो मेरा ढेर सारा प्रॉफिट भी बन गया। तो अच्छी बात है, ऐसा प्रॉफिट छोटे छोटे हुआ तो बढ़िया लगता है, क्योंकि छोटी इनकम जब बड़ी बनती है तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों छोटी इन्वेस्टमेंट वही इनकम बड़ी बन जाती है, वही छोटी इनकम या फिर बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा बनाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको हमेशा बड़े ट्रेड तो ले रहे हो, छोटे ट्रेड भी ले रहे हो तो भी, और बात करेंगे उसके दोस्तों टेक्निकल चार्ट के, टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं किस तरह से बेहतर एक मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अगस्त के महीने में देख सकते हैं आप कहाँ पे ट्रेड कर रहा था और आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों 400 लेवल को ब्रेक कर देता है, देखिए दोस्तों 20-20 पॉइंट यहाँ पे एक लेवल है, उसके बाद ये शेयर आगे दौड़ने की दमखम रखता है। अगर ये 20 पॉइंट का हर्डल निकल जाता है तो 400 क्रॉस कर जाता है दोस्तों, एक ही दिन में आपको 20-25 पॉइंट आपको गेन करने मिलेंगे, एक ही दिन की बात करता दोस्तों। मगर कॉन्सोलिडेट होना चाहिए 400 के लेवल पे, 395 तो 400 में कॉन्सोलिडेट करेगा तो ये दोस्तों आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, ना कि आप सोच रहे होंगे यहाँ 380 या फिर 379 लेवल क्यों मैं बाय करूँ, क्योंकि सर ने कहा यहाँ से आगे बढ़ सकता है। मगर दोस्तों लेवल है, लेवल के हिसाब से काम करता हूँ, ये आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, मगर कहाँ से, अगर ये 400 के लेवल को ब्रेक करता है उस पर कॉन्सोलिडेट करता है तो ये आपको नया हाई बनाते हुए देख सकते हैं। और IT सेक्टर का शेयर है, दमखम रखता है दौड़ने का दोस्तों, इस शेयर को आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए बेसिस पे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आने वाले दिनों में इसके 650 रुपीज़ के टारगेट है दोस्तों, यहाँ से दुगना होता हुआ शेयर आपको दिख सकता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। मगर दोस्तों रुकिए, इस पर अभी भी एक मार्केट का साया है जो कि अभी तक घटा नहीं है, अगर 400 के लेवल को क्रॉस किया जाता है तो बढ़ेगा, मगर दोस्तों मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से भी काम कीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी क्रैशेस आ रहे, तो थोड़ा आप अक्यूमुलेट करते चलिए, जैसे नीचे आएगा उसको एक्यूमुलेट कीजिए। मगर दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर 400 के लेवल को पार करता है तो ये लेवल बनाएगा बड़ी वाली, तो ये सिचुएशन समझ के आप काम कर चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आपका ढेर सारा प्रॉफिट बन सकता है। थैंक यू दोस्तों।